नमस्कार नवीन आवाज, आपकी बात वीर सिंह के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नागपुर के मानकापुर में केआरसी लोन के बारे में कौन नहीं जानता होगा, अधिकतर लोग इस लोन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस लोन को अब फिलहाल ये लोन अभी नहीं है, लेकिन इस लोन संबंधित एक बड़ा खुलासा जो अभी तक लोगों तक चीजें बताई गई, शायद वो एक साइड होगी, लेकिन दूसरा पक्ष जो हमने जाना तो इसमें कुछ शॉकिंग खबरें थी। जिला अध्यक्ष ऑलरेडी उसकी वाइफ है, श्याम कुमार भरवे की वाइफ थी उस समय, थी उसी समय का ऑर्डर है। अभी अगस्त का तो ऑर्डर है, जनवरी 29-12 का ऑर्डर है। 29-12 को उसने जिला परिषद से अपना ऑर्डर करा के दी, जबकि कोर्ट में रहने के बावजूद। तो इनके खिलाफ में मैंने अभी हाईकोर्ट में पिटीशन डाली है। 2012 से लेकर 2021 तक लगभग 700 से ज्यादा बुकिंग जो ले चुके हैं, जो इनके मालक है सैयद आयाज अली, हमने इनसे बातचीत की। उनसे बातचीत की कि आखिर केआरसी लोन को क्यों तोड़ा गया है, अचानक ऐसा क्या हो गया। उन्होंने बताया कि 2012 के बाद लैंड डिस्प्यूट का कुछ मैटर चल रहा था जो कोर्ट में चल रहा था, और क्या चल रहा था आने वाले समय में आपको बताएंगे डिटेल में। जो माननीय न्यायालय में ये मैटर चल रहा था, एक केस चल रहा था, लेकिन इसी बीच जब रश्मि बर्वे जिला परिषद की अध्यक्ष बनी, यानी कि सत्ता पावर और पैसा जब सब कुछ आता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, वो आप शायद यहां से समझेंगे। जब ये अध्यक्ष बनी तो इनके पति श्याम कुमार बर्वे इस अध्यक्ष पद का, अपने सत्ता का, अपने पावर का पूरा फायदा उठाया, ऐसा सैयद अयाज अली ने हमें बताया बातचीत में। उन्होंने बताया कि जो चीजें केस, जिनका केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रही है, उसके व्यतिरिक्त उसके विरुद्ध जाकर के अचानक उस लोन के ऊपर में, जमीन के ऊपर में कब्जा किया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है। दोस्तों, कोविड के बाद कुछ लोग जो विकास ठाकरे के समर्थित बताए जाते हैं, उन लोगों ने आके इस लोन पे आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिसकी जानकारी केआरसी लोन के जो मालक है सैयद अयाज अली, उन्होंने पुलिस को, गिट्टी खदान थाने को एक नहीं दो दो शिकायतें दी, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन आखिर होता यह है, सारी शिकायतों आरोप प्रत्यारोप के बाद होता यह है कि एक दिन 10 अगस्त को सैयद अयाज अली को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 11 अगस्त को एक नोटिस दिया जाता है एनआईटी की तरफ से इस लोन को तोड़ने के लिए, केआरसी लोन को तोड़ने के लिए। अब दोस्तों, आप बताइए, जिस जो इस लोन का मालक है उसको इन्होंने पहले अपने पावर पद का उपयोग करके जेल में डाला। जेल में डालने के बाद में, क्योंकि उनको सारी जानकारी थी, उनके पास सारे कोर्ट के पेपर थे, अगर वो सारे कोर्ट के पेपर अगर उस समय वो दिखाए होते तो वो शायद नहीं टूटता, लेकिन उसको पहले जेल में डाला गया सैयद अयाज अली को। उसके बाद में उनकी पत्नी, जो पत्नी महिला क्या ही कर सकती है, क्या ही डॉक्यूमेंट्स बता पाएगी, जो चीजें आप समझ सकते हैं इन चीजों को, और इसके बाद उनको जेल में रखने के बाद में यहाँ पे लोन को तोड़ने का काम करवाया गया है, ऐसा आरोप है कि श्याम कुमार बर्वे और उनके साथियों ने मिलकर, रश्मि बर्वे अपने पद का उपयोग करके या दुरुपयोग करके उस लोन को तोड़ने का काम उन लोगों ने किया है, ऐसा आरोप सैयद अयाज अली बातचीत में हमसे लगाते हैं। इसके रहने के बावजूद ओम मित्तल और प्रकाश गोयल ने श्याम कुमार लौलत बर्वे और नरेश बर्वे और उनके कुछ दो तीन पार्टनर, ये लोग डिस्प्यूट प्रॉपर्टी खरीदते थे, तो यही उनका कोई कनान के लोग हैं। तो ये लोग ने ओम मित्तल से 2 करोड़ में वो प्रॉपर्टी खरीद ली 2012 में, इसके रहने के बावजूद, और उससे पावर अटॉर्नी ले लिए 1 करोड़ रुपये दे के कि हम सैयद अयाज अली से कब्जा ले लेंगे। और मेरा केस तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर में ऑर्डर एक्सेप्टेबल हुआ है। तो हमारे विकास ठाकरे के प्रमोद ठाकुर जो कार्यकर्ता है, उससे हमारा वाद विवाद हुआ, उनकी मैंने कंप्लेंट 7 जुलाई को और 16 जुलाई को गिट्टीगान थाने में डाला कि ये सब यंग लड़के को ड्रग्स देते हैं, ये देते हैं मेरे लोन के आजू बाजू, ये मेरे से पैसे का डिमांड करते हैं, और इनका नरेश बर्वे और श्याम बर्वे इनके साथ मिलके मेरी ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं। मैंने उनकी कंप्लेंट डाल दिया। इन्होंने एक ऐसा झूठा षड्यंत्र बना के 10 तारीख को, 10 अगस्त को मेरे को अरेस्ट किए। दोस्तों, ये मामला बहुत छोटा नहीं है, इसीलिए मैं इसी वीडियो में, इसी एपिसोड में मैं आपको सारी चीज़ें शायद नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि जो भू माफिया टाइप के जो लोग होते हैं, वो भू माफिया कैसे बनते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट मैटर है तो उस पर पावर ऑफ अटर्नी ले लेते हैं, और उसे अपने दादागिरी या फिर सत्ता पावर किसी का भी उपयोग करके उसमें उस अधिग्रहण उसे कैसे अपने ऊपर कब्जा किया जाए, ऐसे ही लोग भू माफिया कहलाते हैं। और ऐसा ही कुछ श्याम कुमार बर्वे और उनके सहयोगियों ने, उनके साथियों ने इस केआरसी लोन के, क्योंकि जो करोड़ों की प्रॉपर्टी जहां पैसा आता है वहां तो वैसे भी सारी चीजें नियत लोगों की खराब हो जाती है,
इन लोगों ने काम किया है। सैयद अयाज अली बातचीत में काफी कुछ कहते हैं, लेकिन आने वाले अगले एपिसोड में हम और ठीक से इस चीज का खुलासा करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक अल्पसंख्यक पे, सैयद अयाज अली पे इतना जुल्म किया गया, ये कितने हद तक सही है, और आखिर ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो इसमें शामिल है। दोस्तों, ये आने वाले अगले एपिसोड में आपको फिर से हम जानकारियों के साथ इस संबंधित हम हाजिर होंगे।